नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के चुनाव पदाधिकारियों को मतदान कैसे कराना है और EVM व VVPAT से कैसे निष्पक्ष मतदान होता है, इसकी जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मियों को भी अपने मतों का प्रयोग करना है। पहले चरण के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें इसकी जानकारी दी गई, साथ ही EVM और VVPAT मशीन से चुनाव कैसे संपन्न हो इसकी जानकारी दी गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। आज बैठक हो रही है। आज से हम लोगों के जिले में जो हमारे कार्मिक कोषांग के और ट्रेनिंग कोषांग के नोडल हैं DRDA डायरेक्टर साहब, उनके अध्यक्षता में हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं पूरा ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे प्रिजाइडिंग P1 P2 P3 हैं, सबको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से और फेज्ड मैनर में 27 तारीख से 2-3 तारीख तक ट्रेनिंग देंगे। और ये पहला ट्रेनिंग हो रहा है इलेक्शन का। इसके साथ साथ इन्हें फॉर्म 12 भी दिया जा रहा है इस बार पोस्टल बैलेट भरने के लिए, जिससे कि ये सभी अपना मत का अधिकार पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज इसकी शुरुआत की गई है हमारे ज़िले में। और इसमें उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग जो भी ट्रेनिंग के गाइडलाइंस हैं, मॉड्यूल्स हैं जो हमें निर्वाचन आयोग से मिला है, उसको सभी मास्टर ट्रेनर्स साझा करेंगे लोगों, जो हमारे पूरी पोलिंग पार्टी उनको बताएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कदाचार मुक्त हम लोग जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको अच्छे से करवा सकें। इससे पूर्व का सर ने बताया कि इससे पहले 2014 और 2019 का इलेक्शन वो करवाए हैं, तो उनका कहना था कि हम लोग जवाबदेही के साथ और सबसे पहले ये आज प्रशिक्षण आज से शुरू हुई है उसको बढ़िया ढंग से प्रशिक्षित हो जाना है और सारे चीज़ को समझ के, और जब हम इलेक्शन करवाने के लिए जाएंगे तो निश्चित ही हमारे द्वारा जो इलेक्शन होगा वो बेहतर होगा। और उन्होंने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया और बताया कि किस ढंग से हम और जो भी हम सीखते हैं उसमें से लिख के भी नोट डाउन भी करें और बेहतर ढंग से इलेक्शन को संपन्न करें। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह।